अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ज़ोर का जोड़ आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे अनदर डे अनदर शो एंड ऑब्वियसली लॉट टू डिस्कस स्टिल वेटिंग फॉर दैट सर्जरी बट उस सर्जरी के आहिस्ता आहिस्ता इर्द गिर्द की कहानियाँ शुरू हो गई हैं एवरी वन इज़ फॉर दैट सर्जरी हर प्लेयर जो है वो यही बयान दे रहा है कि सर्जरी होनी चाहिए सर्जरी होनी चाहिए बट कौन करेगा ये सर्जरी कब होगी ये सर्जरी कहाँ होगी सर्जरी और कैसे होगी ये सर्जरी ये सारे सवाल अभी तक जो है वो हमारे सामने हैं जिसके जवाब हम अभी भी ढूंढ रहे हैं तो आप लोग भी हमारे साथ वो जवाब ढूंढे सो डिस्कशन करेंगे मैं हूँ सवेरा पाशा मेरे साथ मौजूद है हाफिज़ मोहम्मद इमरान जैसे आपने कहा ना कौन करेगा सर्जरी कब होगी सर्जरी कैसे होगी सर्जरी तो ये मुझे फौरी तौर पर मेरे जहन में आया कि हमारे चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक बहुत अच्छे कंटेंट क्रिएटर भी हैं उन्होंने है। जब कंटेंट दिया है कि सर्जरी करने की ज़रूरत है वो इतना अच्छा है इतना yes. अच्छा है कि वर्ल्ड कप खत्म हो गया टीमें एक एक करके वर्ल्ड कप से निकल गई चली गई अपने अपने घरों को वापस चली गई दो रह गई हैं जो वर्ल्ड कप का फाइनल खेली हैं पाकिस्तान तो बहुत पहले वापस आ गया लेकिन जो उन्होंने कंटेंट दिया है पाकिस्तान को वो अभी तक अपनी जगह पर बरकरार है हाँ। कि सर्जरी कब होगी कैसे होगी तो ये बहरहाल एक अच्छी ज़रूर है लेकिन ये सवाल ज़रूर है सवेरा जैसे आपने कहा कि कब कौन कहाँ कैसे ये बाहर लोग सवाल पूछ और अब इससे बढ़कर ये कि पाकिस्तान के क्रिकेटर्स के ऊपर बोल रहे हैं जो आपके सेंट्री कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स हैं बिल्कुल सवाल हो रहे हैं और वो बोल रहे हैं बिल्कुल जिस तरह हमने जो है कल आपको बताया था कि शाहिन्न शाह आफरीदी ने कहा कि सर्जरी बिल्कुल होनी चाहिए आज और किस खिलाड़ी ने कहा उस हवाले से भी बात करेंगे सो व्हाट्सअप इन स्पोर्ट्स में शुरुआत करते हैं अपनी डिस्कशन की और बताते हैं आपको इस वक्त क्या मेजरली क्रिकेट में क्या हो रहा है आज मोस्टली जो हमारे पास खबरें हैं वो क्रिकेट को सराउंड कर रही हैं सो so, क्रिकेटिंग दुनिया में क्या हो रहा है और क्रिकेट में क्या हो रहा है एंड पाकिस्तान क्रिकेट में ज्यादा फोकस हुआ हुआ है कि क्या हो रहा है तो शाहीन शाह आफरीदी के बाद अब मोहम्मद रिजवान ने भी कहा सर्जरी बिल्कुल होनी चाहिए जब कोई बीमार होता है तो ऑब्वियसली उसका ऑपरेशन होना चाहिए और जब ज़रूरत है तो ऑपरेशन बिल्कुल होना चाहिए सो so, मोहम्मद रिजवान जो कि पेशावर में इस वक्त ट्रेनिंग कर रहे हैं और बड़ी उनके जो आ, फैंस हैं या उनके जो उनके लिए जो ट्वीट्स करते हैं या वट वो ये भी बता रहे हैं कि नहीं जी बैटिंग करते करते बल्ला तोड़े जा रहे हैं मोहम्मद रिजवान ने अपना बल्ला तोड़ दिया बैटिंग करते करते धूप में बैटिंग कर रहे हैं सो ये बयान भी मोहम्मद रिजवान ने साथ साथ दिया कि बिल्कुल अम, सर्जरी होनी चाहिए और हम वर्ल्ड कप में बेहतर कारकरी कर सकते थे हमने अच्छी कारकरी नहीं की और अच्छी कारकरदगी करनी चाहिए हम जब भी अपनी टीम से खेलते तो हमारे जहन में, जहन में अपने मुल्क का ख्याल होता है और जो अपोजिशन है उसका ख्याल होता है वैसे जब जो, जो भी कोई टीम खेलती है तो उसको जहन में यही ख्याल होता है कहना ज़रूरी था या नहीं ये तो मोहम्मद रिजवान बेहतर जानते हैं जानकारी सवेर जो आपने मोहम्मद रिजवान का जिक्र किया इसमें उन्होंने एक और बड़ी मतलब एक बड़ी हैरान कन बात भी की अपने इस बयान में कि चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये हक हासिल है कि वो जिसको टीम में रखना चाहें रखें जिसको टीम में रखना नहीं रखना चाहते ना रखें तो ये मतलब इसके एक तो इस वक्त में ये बातचीत जो है वो बड़ी मानी खेज है और फिर चेयरमैन को तो कोई इख्तियार नहीं है इसके कई पहलू निकलते हैं अगर आप चेयरमैन के ऊपर ये डालते हैं तो अगर कल क्लांक को आप ड्रॉप होते हैं या कोई और बड़ा खिलाड़ी ड्रॉप होता है तो वो ये कहेगा देखें जी ये तो खिलाड़ी आ, आ सकते थे टीम में चेयरमैन के कहने पर ड्रॉप कर दिए गए या फिर ये भी बात उसके ऊपर हो सकती है कि अगर चेयरमैन का इख्तियार और हक है तो इसका मतलब कि पाकिस्तान के जो पंद्रह लोग वर्ल्ड कप में गए थे उसमें भी चेयरमैन साहब की मर्जी हो सकता है उन्होंने फिर फिर ये आ, यहां से बातें निकलती मतलब सिलेक्शन कमेटी साइड हैं छह रुकनी वो सिलेक्शन कमेटी दो कोच और कप्तान भी साथ हाँ। थे तो फिर फिर सिलेक्शन कमेटी किस लिए है? वो किस लिए है? फिर आपने सारी की बातें चेयरमैन के ऊपर डाल दी हैं और फिर जैसे पाकिस्तान की क्रिकेट में चलती हैं आप अफवाहों का बाज़ार गर्म yes. रहता है और जिस तरह से चीज़ें चलती हैं लोगों को यार पता नहीं कोई कप्तानी के लिए एक और दौड़ तो नहीं शुरू होगी ये इस वक्त इस बात का क्या मतलब है इस वक्त क्या मतलब है इसने जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं वो कहाँ कहाँ से लोग उसको बयान करेंगे लेकिन ये तो मेरा ख्याल है कि इतना अच्छा नहीं है कि चेयरमैन को अख्तियार आगे बढ़ते हैं एक और ख़बर बड़ी अच्छी है और वो यकीनी तौर पर लोग उसको सुनेंगे तो खुश होंगे क्योंकि हमने आपने जिक्र किया था जब हम ट्रांसमिशन में थे कि जो दो का वर्ल्ड कप है उसमें पाकिस्तान को क्वालिफाइंग राउंड नहीं खेलना पड़ेगा तो आईसीसी ने बाबा तौर तो पर इस हवाले से अब ये बता दिया है कि 2026 की जो टी वर्ल्ड चैम्पियनशिप है उसमें पाकिस्तान को क्वालिफाइंग राउंड नहीं खेलना पड़ेगा ये बारह टीमों ने बरह रास्त क्वालिफ़ाई किया है और ये वर्ल्ड कप के मुकाबले इंडिया और श्रीलंका में श्रीलंका में, में, में खेले जाएंगे और उसमें जो टीमें जिन्होंने क्वालिफाई किया उसमें ऑस्ट्रेलिया शामिल है जनूबी अफ्रीका शामिल है बांग्लादेश इंग्लैंड वेस्ट इंडीज अमरीका आयरलैंड और उनके साथ साथ न्यूजीलैंड की टीमें भी दो हज़ार की वर्ल्ड टी चैंपियनशिप का हिस्सा होंगी बिल्कुल यानी अफगानिस्तान के लिए एक थोड़ा सा डाउट था मगर अफगानिस्तान को भी जो है वो क्वालिफा नहीं खेलना पड़ेगा सो येस ट्वेंटी ट्वेंटी सिक्स की अगर अभी से तैयारी करनी है तो फिर वो सर्जरी हो जाए तो बेहतर है कि हम जो है उस तैयारी पे आगे बढ़ सकें मूविंग ऑन फर्दर जिस तरह मैंने आपको कहा कि सर्जरी के इर्द गिर्द की, की चीज़ें शुरू हो गई बहुत दिनों से ये शोर मच रहा था कि फिटनेस टेस्ट फिटनेस टेस्ट फिटनेस टेस्ट फिटनेस टेस्ट नहीं हो रहे तो क्रिकेटर्स के फिटनेस का मिशन जो है वो शुरू कर दिया गया है एक दफ़ा फिर से कर रहे हैं बिकॉज फिटनेस टेस्ट जो है उसमें जो भी फेल होगा वो कॉमी टीम से ड्रॉप हो जाएगा अब फिटनेस टेस्ट कौन लेगा और क्या करेंगे और क्या उसका मार्जिन होगा वो सारी चीज़ें जो है फर्दर ऑन डिटेल में हमें पता चलेंगी बिकॉज क्रिकेटर की फिटनेस का मिशन जोर पकड़ गया है जो हम बार बार फिटनेस की बात करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट में जो भी फिटनेस टेस्ट पास नहीं करेगा योयो यो टेस्ट की वापसी भी हो गई है फिटनेस टेस्ट में और जो जो ये फिटनेस टेस्ट पास नहीं करेगा वो टीम का हिस्सा नहीं बन सकता सो so, डायरेक्टर डोमेस्टिक खुरम न्याजी साहब ने फिटनेस को बेहतर बनाने के लिए प्लान मंजूर कर लिया है और प्लान के मुताबिक दो मरहलों में फिटनेस टेस्ट का इनका किया जाएगा पहले मरहले में मुल्क भर से ग्यारह जुलाई से फिटनेस टेस्ट के लिए लड़कों को क्रिकेटर्स को बुलाया जाएगा और पहले डिस्ट्रिक्ट और फिर रीजनल सतह पर फिटनेस टेस्ट होंगे तो शुक्र चले यही ख्याल आया देर आयत दुरुस्त आयत देर आए दुरुस्त आए और इससे आगे बढ़ते हैं हम वैसे ये जो फ़िटनेस वाला मामला है जिन लोगों ने फिटनेस टेस्ट लेने हैं वो भी यकीनी तौर पर निगाह में ज़रूर रखे जाना चाहिए कि इनकी मौजूदगी में पहले फ़िटनेस ख़राब हुई क्यों अगली खबर जो है वो वैसे पाकिस्तान के नुकता नगार से तो बहुत अहम है लेकिन अगर हम इंडिया को सुनते हैं तो वहाँ सर वहाँ से आवाज़ें ज़रा मुख्तफ आ रही हैं क्योंकि चैम्पियंस ट्रॉफी दो हज़ार पच्चीस की पाकिस्तान में होनी है और उसके लिए ये तैयारियाँ जैसे हमने कल आपको अपडेट किया कदावी स्टेडियम की जो मेन बिल्डिंग है वो गिरा दी गई है और वहाँ पर जो दो इंक्लोयर हैं सामने वाले फजल महमूद और इमरान खान इंक्लोयर उसको भी आ, उसको भी तामीरें नौ की जा रही है बिल्डिंग की भी तमीर नौ है लेकिन अब की जो इतलात हैं जो खबरें हैं शायद एक खबर यह है कि इंडिया आ रहा है इस चैम्पियंस ट्रॉफ़ी को खेलने के लिए क्योंकि बाकी तमाम टीमों की तरफ से तो किसी भी किस्म का कोई शक नहीं है कोई शुबा नहीं है कोई रुकावट नहीं है लेकिन इंडिया की जब बात करते हैं तो एक बात ज़रूर आती है कि क्या इंडिया पाकिस्तान सफ़र करेगा 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी को खेलने के लिए पाकिस्तान ने 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में कामयाबी हासिल की थी लेकिन पाकिस्तान के दौरे पर या पाकिस्तान में क्रिकेट खेलने के हवाले से भारतीय हुकूमत का बिल्कुल मुख्तलिफ मौफ़ है और जब कभी भी बी सी, -सी से पूछा जाता है तो वो उनकी भी यही राय होती है कि जो हमें अपनी गवर्नमेंट कहेगी हम उसको तो। उसी बात को मानेंगे और उसके हवाले से कोई भी क्रिकेट के को सामने रखते हुए कोई फैसला हुकूमत की मर्जी के मुता के खिलाफ हम नहीं जा सकते हैं तो अब जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चूंकि ये चाह रहा है कि वो आए इशारे इस तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये समझता कि हैं लेकिन इंडिया ने कल रिपोर्ट की इंडियन मीडिया ने कि अभी इस किस्म की कोई ऐसी चीज़ नहीं है तो ये दो रुख हैं तस्वीर के अब ज़िम्मेदारी होगी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर और एक बहुत बड़ा हिस्सा ज़िम्मेदारी का उन तमाम क्रिकेट खेलने वाले अहम ऊपर भी होगा कि वो इस सिलसिले में क्या रुख इख्तियार करते हैं वो किस तरफ जाते हैं क्या वो पाकिस्तान के मौक़ की हमायत करते हैं या फिर नहीं करते हैं तो लोग सवेरे ये भी बात कर रहे हैं कि क्या हाइब्रिड मॉडल पर चले जाएंगे या जैसे एशिया कप का हुआ था वैसे होगा या इंडिया के मैचेस वहाँ चले जाएंगे लेकिन कहीं कहीं लोग ये समझते हैं कि पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत को देखते हुए वज़ी अजम मियाँ शहबाज शरीफ साहब हैं भारत के वज़ी अजम नरेंद्र मोदी हैं तो हो सकता है कि दोनों में क्रिकेट डिप्लोमेसी अगर शुरू होती है इंडिया पाकिस्तान की जो चैम्पियंस ट्रॉफी वाले टूर है इंडिया का उससे हो सकता है आगे बढ़ जाए सो so, उम्मीद यही है कि चैंपियंस ट्रॉफी हो और हाइब्रिड मॉडल पे नहीं हों हाँ. पाकिस्तान में हो बहुत सारे ऑप्शंस हैं अलग अलग ऑप्शंस पे बात कर रहे हैं अलग अलग ऑप्शंस होने चाहिए जिस तरह एक शहर में सिर्फ इंडिया को रखने की बात हो रही है इंडिया सिर्फ सारे मैचेस अपने लाहौर में खेले सो तो बहुत सारी चीज़ों पर बात जरूर हो रही है कि किसी तरह सक्सेसफुली पाकिस्तान में ये चैम्पियंस ट्रॉफी हो जाए बट इस चैम्पियंस ट्रॉफी से पहले सबसे पहला बड़ा सवाल यही है कि क्या हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जब तक रेडी होगा कि नहीं होगा कल जैसे आप बात जो फरवरी में उन्होंने कहा कि हम इसको मुकम्मल करेंगे और अगर ये यहाँ पर अभी ये वाला स्टेडियम कदावी स्टेडियम में तामीर तामीराती काम शुरू हुए हैं तो पाकिस्तान ने यहाँ पर लाहौर के लाहौर में मैचेस रखे हैं इंडिया के और बाकी जो दो तो, आ, और मकामा हैं वेन्यूज़ हैं वो कराची और रावलपिंडी हैं क्या वहाँ पर भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कुछ करना चाहता है और अगर वहाँ करना चाहता है तो क्या इतने वक्त में सब चीज़ें हो पाएंगी ये बहरहाल एक सवालिया निशान ज़रूर है इस पर कैसे आगे बढ़ता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये आने वालों में आने वाले दिनों में इसके बारे में इल्म होगा और इसके साथ साथ और हमारे पास काफ़ी सारी खबरें चल रही हैं बिल्कुल So ओ, पहले मेरे ख्याल से आजम खान और साइम अयूब की अगर हम बात करें चलें देर, फिर मैं तो साइम मयूब और आजम खान की बुरी की से उनको एनोसी देने से इनकार कर दिया गया सीपीएल की एनओसी उनको नहीं दी जाएगी और मेरे ख्याल से इससे पहले एल पी एल एल पी एल में भी दस्तरदारी मना किया और कैनेडा भी जा रहे हैं पाकिस्तान के कुछ खिलाड़ी तो सारी जो ट्रेनिंग आपको रही है आप तो ये कह रहे हैं हम देख के परेशान हो रहे हैं और वीडियोज़ आ रही हैं एंड वॉट नॉट के कैनेडा में जी एल में जो है वो मोहम्मद रिजवान कप्तान होंगे नाइट्स के और बाबर आजम और मोहम्मद आमिर मोहम्मद रिजवान के अंडर खेलेंगे तो ऐसे भी चल रहे हैं सिलसिले और जो ये फिटनेस ट्रेनिंग और जो ये आप ट्रेनिंग देख रहे हैं इतनी सारी जो कि हम जब वर्ल्ड कप से वापस आ गए हैं हार कर और उसके बाद ट्रेनिंग्स हो रही हैं अपनी फिटनेस को बेहतर कर रहे हैं तो क्या ये टीम पाकिस्तान के लिए हो रही है या फिर जी एल टी ट्वेंटी के लिए जी एल टी ट्वेंटी के लिए हो रही है और यही एक बड़ा सवाल है कि वाक़ता क्या ये अपने उन फ्रेंचाइज़ के लोगों को दिखाने के लिए है या फिर अपने मुल्क में लोगों की हमदर्दियाँ हासिल करने के लिए या फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये दिखाने के लिए कि हम वापस हैं अपनी जगह पर खड़े हुए हैं हम कहीं जा नहीं रहे हैं और हम कहीं भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम की फिटनेस को लेकर अगर अभी आप तैयार कर रहे हैं तो हम तैयार हैं मुकम्मल तौर तो पर काम कर रहे हैं शुयब मलिक ने भी कुछ बात की है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान के बारे में और बात की है कोई बात, बात की, की। कोई अच्छी बात की उन्होंने शुएब मलिक ने एक वो बात की है जो कि जिस पे अच्छी आप मानना चाहें या बुरी मानना चाहें आपकी मर्जी बिकॉज शुएब मलिक ने जो है वो ये कहा है कि बाबर बाबर आजम हमारे तो बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं मगर अगर मैं टॉप टीम्स में देखता हूं तो बाबर आजम की टी ट्वेंटी फॉर्मेट में जगह नहीं बनती अगर आप इंग्लैंड की बात कर लें आप ऑस्ट्रेलिया की टीम की बात कर लें आप इंडिया की टीम की बात कर लें तो इन टीम्स में बाबर आजम की टी ट्वेंटी के फॉर्मेट में जगह नहीं बनती बहुत सारे लोग इस बात से अग्री करेंगे बहुत सारे लोग डिसएग्री करेंगे बट फिर जब हम पाकिस्तान की तरफ देखते हैं हाफिज़ तो फिर पाकिस्तान के लिए तो ही पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान के लिए बिल्कुल अभी जब हम ट्रांसमिशन में भी थे तो उनका नाम बाबर आजम का पाकिस्तान के तीन आ, Top, जो टॉप टू ट्वेंटी प्लेयर्स थे उसमें लगाया गया और यहाँ पर जो तस्वीर देख रहे होंगे हमारे जो देखने वाले तो वो बाबर आजम को उठाया हुआ है शुैब मलिक ने अपनी गोद में ये खुशगवार लमहत है फिर आपके करियर में ऐसा वक्त आता है कि जब आपको अपने पसंदीदा खिलाड़ी के बारे में भी बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल करना पड़ते हैं या फिर तारीख़ किसी एक साइड पर दरवाजे के खड़ा होना पड़ता है कि अंदर हैं या बाहर हैं ठीक है उनका ख्याल है अपना लेकिन आ, बात यह है कि अगर आ, शुयब मलिक के इस बयान का जिक्र किया जाए हवाला दिया जाए तो दुनिया का मुकाबला करने के लिए क्या हमने चार साल में वो कुछ किया जो करने exactly. की ज़रूरत थी या नहीं थी हाँ. और क्या आप स्टेट वे बाबर आजम को पाकिस्तान की टी ट्वेंटी टीम से ड्रॉप कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं एक बड़ी हुँ. बहुत बड़ी तवील बहस है जिसमें आपको मुख्तफ़ किस्म की राय सुनना पड़ेगी जिसमें आपको लोगों को कायल करना पड़ेगा लेकिन जब आप इसकी वजह क्या बनी है इसकी वजह यह बनी है कि आप मुसलसल ख़राब क्रिकेट खेल रहे हैं और आपकी जो स्किल्स थी वो डेवलप नहीं हुई आपने इनहेंस नहीं किया उनको आपने अपनी सलाहियतों में इजाफा नहीं किया वक्त के साथ साथ यही वजह है कि आज उनको अपने उस खिलाड़ी के तरफ से जो कि आप तस्वीर देख रहे होंगे कि जिनको खुशी में उठा कर वो से बाहर जा रहे हैं है। हाँ। है। बिल्कुल, बिल्कुल। है और, और शुब मलिक ने जो बात की है ना उसको वो बात तो हमें सामने दिखी, सामने दिखी रही है बट बिटवीन द लाइन जो उन्होंने बात की है कि पाकिस्तान के लिए वो एक बहुत बड़े बल्लेबाज है बहुत बड़े बैटर हैं मगर ये जो टॉप थ्री टीम्स है उसमें नहीं इसके साथ सिर्फ ये बाबर कि मसला नहीं है ये साथ साथ ये मसला है कि पाकिस्तान टीम का स्टैंडर्ड कितना नीचे हो गया है उन तीनों टीम से कि वो सबसे अच्छे बल्लेबाज दिखते हैं दो के वो उन टॉप थ्री टीम्स में जगह ये एक, एक और अहम बात है जिसकी तरफ आपने इशारा किया है कि पाकिस्तान के टॉप थ्री टॉप बैटर जो हैं अगर आप दुनिया की तीन बेहतरीन टी टीमों की बात करेंगे तो वो उसमें बैसीत ओपनिंग बैटर जगह नहीं बना पाएंगे तो इसका एक मतलब यह है कि जो आपने आपका जो मैार है जहाँ पर आपने कम्पीट करना है अगर आप उस लेवल पर नहीं है उन टीमों के साथ जहाँ पर आपने कंपीट करना है तो फिर सवालत ज़रूर पैदा होते हैं और ये बिल्कुल सबसे अहम और बुनियादी बात यह है जिसका आपने अभी हवाला दिया है बिल्कुल सो व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स में इतना ही मगर ये जो पार सेट करने की हम बात कर रहे हैं वाकई इस पार को क्या सही तरह सेट किया है या हमें रिकन्सिडर करना पड़े सेट करना पड़ेगा सवाल यही है वो इस वजह से बिकॉज कल भी हमने ये बात की थी कि सबसे पहले हमें मर्ज टोलना पड़ेगा कि एक्चुअली है क्या डायग्नोसिस पहले होगा तो उसके बाद चेंजेस पे आएंगे और उसके बाद चेंजेस होंगे क्या, 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 क्या सोचती है अवाम की क्या तब्दीलियां होनी चाहिए हमारी इस टी ट्वेंटी की टीम में हमारी इस पाकिस्तान की टीम में राय हम जानेंगे आवाम की भी बिकॉज वो मैटर करती है साथ साथ लेकिन आवाम की जहां पर राय का ताल्लुक है मेरा ख्याल है जब

सिलेक्शन को अगर आप देखते हैं तो हमारी फॉर्मेशन ही वो नहीं होती जिस तरीके से दुनिया खेल रही है टी ट्वेंटी क्रिकेट और एक बड़ा मसला जो कि 2017 का शादाब खान और 2019 का बाबर आजम 2017 का फखर जमान और 2024 का फखर जमान Very अगर हम देखते हैं तो इनकी कारकर्दगी का सबका समेत बाबर आजम मैार नीचे आया है ग्राफ नीचे गया दुनिया के जो खिलाड़ी हैं उनका ग्राफ ऊपर गया है रोहित शर्मा ने अगर ये एहसास किया भारत की तरफ से कि मुझे वो क्रिकेट खेलनी है जिसकी वजह से जिसका अभी शुएब मलिक आपने हवाला भी, भी दिया कि मैंने इंग्लैंड को ऑस्ट्रेलिया को न्यूजीलैंड को ये जो टॉप टीम्स हैं इनको उड़ाना है ऊपर से पाकिस्तान ने अपनी वही क्रिकेट खेली जो वो एक टैंपलेट के साथ 2019-20 से खेलते आ रहे थे 24 में आ गए क्रिकेट नहीं बदली 2022 का रोहित शर्मा और 2023 का रोहित शर्मा और 2024 के रोहित शर्मा में फर्क था फर्क था और बिल्कुल। ये बुनियादी फर्क है जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों ने अपनी कारकर्दगी से अपनी मेहनत से इसको कम और खत्म करना था या उनसे ऊपर जाना था ये ऊपर जाने के बजाय नीचे आ गए तो ये एक सबसे बड़ा फर्क है और इसके बाद बहुत सारी चीजें और भी हैं जिनको हम अगर तफसील में जाएंगे तो बातें आगे चलती रहती हैं हाफिज एक और चीज़ जैसे हम शुब मलिक की बात पे बहुत बिटवीन द लाइंस जाने की कोशिश कर रहे हैं एक बात शाहिन शाह आफरीदी ने भी कही कल जिसके बारे में हमने बात भी की थी व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स में प्रोसेस के थ्रू आई थी टीम इंडिया इस वजह से टीम इंडिया ने अच्छी परफॉर्मेंस की इसका मतलब यह है कि हम प्रोसेस के थ्रू नहीं है। बिल्कुल एग्जैक्टली exactly. हमारा तो प्रोसेस है हमारा तो ये प्रोसेस है कि हमने न्यूजीलैंड के पांच टी ट्वेंटी मैचेज के बाद अपना कप्तान बदल दिया उससे पहले तीन मैचेस खेले पाकिस्तान ने और उसमें पाकिस्तान का कप्तान बदला जी मतलब उससे पहले पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच खेले पाकिस्तान का कप्तान कोई और था पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया से न्यूजीलैंड गया पाकिस्तान का फॉर्मेट तब्दील हुआ कप्तान कोई कप्तान और, और। पाकिस्तान न्यूजीलैंड से वापस पाकिस्तान आया अगेंस्ट न्यूजीलैंड पाकिस्तान में खेला है पाकिस्तान का कप्तान कोई और है तो प्रोसेस के ऊपर जो सबसे बड़ा सवालिया निशान है वो यहीं पर खड़ा हो जाता है कि आपने आठ मैच के अंदर अंदर अपने तीन कैप्टन बदल दिए तो आप कैसे दुनिया का मुकाबला करेंगे कोचेज आपके बदल गए मोहम्मद हफीज थे वर्ल्ड कप में मिकी आर्थर थे जब और जब ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड गए मोहम्मद हफीज थे जब पाकिस्तान न्यूजीलैंड के खिलाफ पाकिस्तान क्यांते? में खेल रहा है टीम की बागदौड़ किसी और के हाथ में है और जब यहाँ से टीम निकलती है वर्ल्ड कप में जाती है टीम का हेड कोच कोई और इतने नाम तब्दील हो गए कि शायद पूरी एक लिस्ट बनानी पड़ेगी खैर हमने वो लिस्ट आपसे शेयर भी की थी आपको आगे आने वाले दिनों में आपके साथ फिर से वो लिस्ट लिस्ट शेयर करेंगे जहाँ पे सिलेक्शन कमेटी की तब्दीलियां हुई और जितने कोचेज बदले गए कोचेज एक साल में कितने बदले गए एंड सिलेक्शन कमेटी की तब्दीलियां जो है वो 2022 वर्ल्ड कप से लेके अब तक कितनी हुई वो सारी भी हम आपसे शेयर करेंगे मगर अभी जाएंगे एक ब्रेक पर और ब्रेक से वापस आएंगे तो सुनेंगे आवाम की आवाज के अवाम क्या चाहती है आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक एंड वेलकम बैक टू जोर का जोड़ और ब्रेक पे जाने से पहले हम वजह ढूंढने की कोशिश कर रहे थे कि क्या क्या तब्दीलियां होनी चाहिए क्या वो जो प्रोसेस जिसकी शाइन शाफरीदी ने बात की है उस प्रोसेस को सही होना चाहिए मगर हाफिज जब हम प्रोसेस की बात करते हैं दुनिया तो हमारे लिए नहीं रुकेगी नहीं रुकेगी ये प्रोसेस ट्रेक्ट सही ट्रेक्ट। करने में ऐसा तो नहीं है कि हम दुनिया को कहेंगे पॉज हो जाओ और हम अपना हम प्रोसेस सही कर लें तो हमें कुछ ना कुछ तो जल्द अज जल्द करना ही होगा बिल्कुल ठीक है कि सबसे पहली बात कि हमें दुनिया ने रुकना नहीं है हमने उनको उनके पास पहुंचना है तो हमें जल्द जल्द सबसे पहले तो ये करने की जरूरत है कि सबसे पहली पहली चीज जो है कि ये समझें कि दुनिया कैसे आगे जा रही है किन चीज़ों के ऊपर काम करके लोग आगे बढ़ रहे हैं आप फिज़िकल फिटनेस को ले लें आपको बहुत बेरहमाना फैसले करने की ज़रूरत करने की ज़रूरत पेश आएगी कि अगर आप ये कहेंगे कि ये मुझे पसंद है इसको रोक लिया जाए ये मुझे पसंद है इसको रोक लिया जाए ये ना पसंद है लेकिन ये बहुत अच्छा है इसको साइड पर कर दिया जाए तो फिर टीम आपकी आगे बढ़ेगी नहीं इन पंद्रह खिलाड़ियों में भी जो वर्ल्ड कप खेलने के लिए गए थे फ़िज़िकल फिटनेस अभी अपनी जगह पर ठीक है प्लेइंग एलेवन अगर आ, अपनी जगह पर ठीक नहीं है प्लेइंग एलेवन अपनी जगह पर ठीक नहीं है जो हमत अमली तैयार होती है उसको कप्तान अगर अंदर उसके ऊपर अमल नहीं करता है तो उसका भी पाकिस्तान को नुकसान होता है तो ये हर एक वो जो प्रोसेस जिसका शहीन ने जिक्र किया है कि आप पंद्रह का पंद्रह का इंतख्य करते हैं क्या उसमें प्रोसेस पूरा करते हैं पंद्रह के बाद जब आप ग्यारह बनाते हैं तो ग्यारह में उस प्रोसेस को आप ठीक करते हैं exactly. ग्यारह को जब आप मैदान में उतारते हैं तो क्या उस प्रोसेस Process. पर अमल करते हैं जो आपने ये तय किया था कि हम इस प्रोसेस के तहत मैच को ऑपरेट करेंगे और फिर जब इंडिविजुअली आप आ जाते हैं इंफरादी तौर पर तो क्या वो प्रोसेस उसके ऊपर खिलाड़ी अमल कर रहा है कि अगर किसी exactly. को तेज़ खेलने की ज़रूरत है और वो अपने जाती हदफ के ऊपर या टारगेट के ऊपर आ जा नहीं मुझे जरूरत है कि मैंने अपने पचास करने हैं या मुझे जरूरत है कि मैंने अपना सौ करना है तो इसका मतलब यह है कि जो टीम का प्रोसेस है उससे हट गया उससे हट गया तो हमें इन सारी चीजों को लम्हा लम्हा मदारिज में मुख्तु दर्जों के ऊपर जाकर इसको ठीक करने की जरूरत है अगर कर नहीं करेंगे तो आपने जो कहा कि दुनिया तो नहीं रुकेगी बिल्कुल दुनिया और आगे निकल जाएगी बात है दुनिया और आगे निकल जाएगी दुनिया तो नहीं रुकेगी तो ये सब चीजों को शाहीन ने प्रोसेस की बात करके बहुत सारी चीजों के ऊपर इशारा किया और ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो फैसले करने वाले हैं इनको उनके ऊपर देखने की और एक और बात अगर ये जैसे पाकिस्तान के अब सब खिलाड़ियों को बोलना पड़ रहा है अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कोई ऑफिशियल वर्ड आता आपका चेयरमैन बोलते या आपके चीफ सेलेक्टर बोलते या आपके हेड कोच या कप्तान पाकिस्तान क्रिकेट टीम की वापसी के ऊपर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते और लोगों को बता देते कि ये हालात है तो ये खिलाड़ियों को बोलना ना पड़ता ये आपके लिए और ज्यादा मसाइल पैदा करेंगी ये चीजें बिल्कुल और जब खिलाड़ी बोल रहे हैं कि सर्जरी होनी चाहिए और सर्जरी क्यों नहीं हुई और मतलब अब हो और जो चेयरमैन सब चाहेंगे जिसको रखना चाहेंगे जिसको निकालना चाहेंगे तो ये तो और ज्यादा एक एक मामले को और ज्यादा उलझाने उलझाने वाली बात है उलझाने वाली बात है अब हम हम ये सोच रहे हैं कि कैसे चीजों को इसलाह की तरफ लेके जाना है कैसे चीज़ों को बेहतरी की तरफ लेकर जाना है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो जरूरी काम है वो हमने देख लिया है एक उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट पर मीटिंग कर ली है और पता नहीं वो थी क्या थी क्या नहीं थी उसके ऊपर वसीम साहब बयान कर गए एक कोचिज के लिए मीटिंग कर ली है उसका पता नहीं क्या हाल निकलना है क्या नहीं निकलना है अब उसके बाद उन्होंने जो अगला काम किया है वो ये किया है कि वो एन की एक फहरिस्त जारी कर दी मगर फिर एन पे सवाल उठता है कि एन आप किसकी रोक रहे हैं और किसकी नहीं रोक रहे हैं क्या सबके साथ प्रॉपर एक एक तरीके से यकसा डिसीजन लिया जा रहा है या नहीं लिया जा रहा है या वो पॉलिसी भी जो है वो डैमेज है और उस पॉलिसी में भी किसी को हाँ मिल जाएगा किसी को ना मिलेगी सो so ये भी इसको भी देखना बहुत जरूरी है ये बिल्कुल देखें ना अगर जो अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जारी किया जिन बारह क्रिकेटर्स को उन्होंने एन जारी किया है अगर उसमें हम देखें तो अब्रार अहमद को उन्होंने फ़खर जमान हारिस रऊफ़ मोहम्मद आमिर मोहम्मद हारिस और हसनैन जो है ये शामिल है जिनको उन्होंने किया है और इस एन में सलमान अली आगा भी हैं शादाब खान भी हैं शर्जील ख़ान भी हैं सुब मकसूद भी हैं उसामा मीर जिनका बहुत मसला हुआ था जी। और उसके साथ साथ जमान खान भी शामिल हैं ये खिलाड़ी जो है ये टी ट्वेंटी कैरेबियन में काउंटी क्रिकेट में एल पी एल में वर्ल्ड चैंपियनशिप जो लेजेंड्स की हो रही है जिसका मेरा ख्याल शुरू होने वाली है एक दो दिन में शाहिद खान आफरीदी साहब भी मेरा ख्याल उसमें नजर आएंगे अभी सुहेल तनवीर साहब पाकिस्तान साथ? टीम को कैप्टन करेंगे तनवीर साहब भी गए हैं वहाँ पर पाकिस्तान के और भी क्रिकेटर्स गए हैं वहाँ पर तो ये मुख्तु जो लीग्स हैं उसके लिए इन्होंने जारी कर दी है पाकिस्तान तो ये अगर आप देखें तो दूसरी तरफ ये सुनने में मिलता है कि शायद नहीं। साइम अयूब के साथ शायद उनको कुछ उनकी एनओसी रोकी जा रही है एक हाथ से पाकिस्तान के किसी खिलाड़ी ने खुद से विद्रॉ कर लिया अपना नाम तो ये देखने की जरूरत है कि आपकी तरजीह क्या थी क्या आपको वर्ल्ड कप के बाद में जो चीज़ें बयान करना थी जो पाकिस्तान के करोड़ों शायक क्रिकेट को बताना थी आपने कि क्या हुआ पाकिस्तान की टीम के साथ और किस तरह से हम आगे बढ़ेंगे क्योंकि उसके बजाय आपने ये चीजें शुरू क्योंकि ये सब प्लेयर्स एक साथ थे ना ये पूरा स्क्वाड था ये पूरा स्क्वाड था जो T20 वर्ल्ड कप 2024 में गया और जिसको इस तरह बुरी शिकस्त का सामना हुआ मगर हम क्रिकेट की बहुत बात करते हैं बहुत ज्यादा क्रिकेट पे लाइमलाइट डालते हैं बट जिन खेलों पे हम लाइमलाइट डालने से थोड़ा सा कम हम अपनी भी गलती मानते हैं कि कम लाइमलाइट डालते हैं फतवाज उनकी तरफ से आती है हाफिज और जब हम बड़ी खबर है कोई बड़ी खबर है बड़ी खबर है और शुक्र अच्छी खबर है पाकिस्तान के आवाम के लिए कि एशियन अंडर 21 वन स्नूकर चैंपियनशिप में पाकिस्तान ने जीत हासिल की एंड सबसे अच्छी बात यह थी कि ये जो फाइनल हो रहा था उस चैंपियनशिप में दोनों तरफ जो है वो दो पाकिस्तानी थे दो जो आपस में कंपीट करे थे मतलब मुझे वो टाइम एक याद आ गया जब स्कॉश में एक तरफ जहां शेर खान और जहांगीर खान आपस में कंपीट करे थे एंड वॉट अ फाइनल इट वॉज जो कि बहुत लंबा टाइम तक तवील टाइम तक चला था और उसमें यह होता था जैसे अब आपने इन दोनों का जिक्र किया ના પાકિસ્તાન કે એડ 21 મે જી તો લોગ યે કહેતે થે કે જબ જહાંગીર ઓર જાનશીર ખાન ખેલા કરતે થે તો ઇનકી જીત કી ખબર ખબરી નહી હોવા કરતી ઇનકે હારને કી ખબર કો ખબર સમજા જાતા થા કે લેજી જહાંગીર હાર ગયે હે જાનશીર હાર ગયે

सो so, आपको मुबारक हो फो मेरी तरफ से आपको मुबारक हो बिल्कुल जी और and... तमाम लोगों का। <laughs> <laughs> जितने स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हमारे यहाँ पे सामने हमेशा देख रहे होंगे शो देख रहे होंगे उन सबको आज के दिन की बहुत बहुत मुबारक हो एंड वक्त यहाँ पे जोर का जोड़ का खत्म हो गया है सो so, सवेरा और इमरान को इजाजत दीजिएगा अपना बहुत ख्याल रखेगा टेक केयर बाय